मार्वल यूनिवर्स में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर का नाम है गैलेक्टस। हालांकि उसको अभी तक किसी भी मार्वल मूवी में एकदम अच्छी तरीके से शो नहीं किया गया है। रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल यूनिवर्स का नेक्स्ट बिग विलन गैलेक्टस ही होने वाला है। हालांकि वो सब तो रूमर्स हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैलेक्टस के ट्रू पोटेंशियल के बारे में और ये जानेंगे कि क्या गैलेक्टस में इतना दम है कि वो अजूरा जैसे पावरफुल बींग को हरा दे। जी हाँ, वही अजूरा जिसने चक्रवर्तीन तक को मार दिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर लेट्स बिगिन। तो पहले बात कर लेते हैं गैलेक्टस के बारे में। सो गैलेक्टस पोजेस करता है इमेजरेबल पावर्स, जिसके कारण वो बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स इन द मार्वल यूनिवर्स। यहाँ तक कि इसको ये भी रिफर किया गया है एज द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर इन द यूनिवर्स। गैलेक्टस एम्प्लॉय कर सकता है लिमिटलेस कॉस्मिक एनर्जी। तो पहले अगर हम लोग उसकी पावर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है उसका गॉडलाइक स्ट्रेंथ। गैलेक्टस पोजेसेस एन एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि कई सारे पावरफुल बीइंग्स जैसे कि हल्क और थॉर के मोस्ट ऑफ द अटैक से उसको ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, बट गैलेक्टस के अटैक से उन दोनों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो पोजेस करता है गॉडलाइक स्टैमिना। गाइस ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैं सुपर ह्यूमन नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ गॉडलाइक। एंड गॉडलाइक पावर्स मार्वल यूनिवर्स में बहुत ही कम लोगों के पास है। गैलेक्टस बैटल कर सकता है फॉर एन अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फाइट कितनी भी लंबी चले गैलेक्टस को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गॉडलाइक स्टैमिना है भैया। वो पोजेस करता है गॉडलाइक स्पीड। अब उसका साइज इतना बड़ा है तो लोग सोचते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वो गॉड लाइक स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और स्पीड ऑफ लाइट को भी कई बार सरपास कर चुका है। उसके पास है इनवल्नरेबिलिटी। अब गैलेक्टस इम्यून है सारे तरीके के डिजीजेस से, सारे तरीके के टॉक्सिन से भी। हालांकि उसकी बॉडी सारे तरीके के डिजीजेस और टॉक्सिन से भी इम्यून है, लेकिन फिर भी मार्वल ज़ॉम्बीज में उसको एक ज़ॉम्बी की तरह दिखाया गया है, यानी कि वो ज़ॉम्बी बन चुका है। उसके पास लेविटेशन की भी पावर है। अब वो ट्रांसवर्स या फिर ग्लाइड कर सकता है एयर में अपनी शीर विल के साथ। उसके पास साइज अल्टरेशन की भी पावर है, यानी कि गैलेक्टस अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी बॉडी के डेंसिटी मास रेशियो सबको चेंज कर सकता है, जिसके कारण वो अपनी बॉडी को रीशेप कर सकता है और अपनी बॉडी को किसी भी टाइप के फिजिक में बना सकता है। उसके पास है मॉलिक्यूलर रिकंस्ट्रक्टिंग। गैलेक्टस मैनिपुलेट कर सकता है, रीशेप कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है किसी भी ह्यूमन के मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्शंस को, जिसके कारण वो रीबिल्ड कर सकता है और रीडिजाइन कर सकता है किसी भी थिंग को। उसके पास है मैटर ट्रांसम्यूशन। अब क्योंकि वो एक कॉस्मिक बीइंग है तो वो कंट्रोल कर सकता है मैटर को। उसके पास है कॉस्मिक टेलीपोर्टेशन। अब गैलेक्टस अपने आप को, दूसरे लोगों को या फिर कोई भी चीज को पूरे इंटायर यूनिवर्स में अपनी विश से कहीं भी प्रेजेंट कर सकता है, यानी कि किसी भी जगह पे ला सकता है। उसके पास है कॉस्मिक फोर्स फील्ड्स। अब गैलेक्टस बना सकता है नियरली इम्पेनेट्रेबल एनर्जी शील्ड्स। ऐसी एनर्जी शील्ड्स बनाएगा कि उनको भेद पाना तो लगभग नामुमकिन है। उसके पास है कॉस्मिक एनर्जी प्रोजेक्शन। गैलेक्टस कैन प्रोजेक्ट एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी विद इनकैलकुलेबल फोर्स। वो इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स को भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि वो वर्म होल्स को क्रिएट कर सकता है बिटवीन टू डायमेंशन और कहीं भी जा सकता है बड़े आराम से। उसके पास है कॉस्मिक टेलीपैथी। अब वो किसी के भी माइंड को रीड कर सकता है या फिर कम्युनिकेट कर सकता है अक्रॉस यूनिवर्सल डिस्टेंसेस। उसके पास रिजरेक्शन की भी पावर है, यानी कि वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, जिसके कारण वो खुद भी मरने के बाद जिंदा हो सकता है। उसके पास क्रिएशन की पावर है, यानी कि वो नथिंग से समथिंग बना सकता है, यानी कि जब उसके पास कुछ भी ना हो तब भी वो लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है। उसके पास सोल मैनिपुलेशन भी है, वो लिविंग बीइंग्स की सोल को मैनिपुलेट कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसके पास रिक्रिएशन की भी पावर है। अब ये वाली पावर जरा ध्यान से सुनिएगा। अब क्योंकि वो एक कॉस्मिक बीइंग है तो वो इंटायर सोलर सिस्टम को क्रिएट कर सकता है, पॉपुलेशंस को क्रिएट कर सकता है, लोगों को क्रिएट कर सकता है, प्लैनेट्स को भी क्रिएट कर सकता है, हर छोटी से छोटी डिटेल को क्रिएट कर सकता है। उसके पास वीटा केनेसिस की भी पावर है, यानी कि वो अपने आप को और दूसरों को फिजिकली डैमेज वुंड से हील कर सकता है। सो ये थी उसकी सारी पावर्स। अब इसके अलावा क्योंकि गैलेक्टस सबसे ओल्डेस्ट बीइंग्स में से एक है यूनिवर्स में, तो वो पोजेस करता है द यूनिवर्स मोस्ट एडवांस्ड इंटेलेक्ट, यानी कि वो यूनिवर्स के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग्स में से भी एक। इसके अलावा गैलेक्टस ने बहुत सारे पावरफुल बीइंग्स को हरा रखा है कॉमिक्स में और वो भी बड़े आराम से। सो ये थी गैलेक्टस की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अजूरा के बारे में। सो अजूरा वो है जिसने सिर्फ अपने एक पंच से वाइजिंग जैसे बीइंग को हरा दिया था, उसको तो जान से मार दिया था सिर्फ अपने एक पंच से। एंड मैं आपको बता दूं, वाइजिंग उस समय अर्थ के साइज का डबल था। अजूरा के सिर्फ चिल्लाने से अर्थ का
एटमॉस्फेयर हिल गया था। अजूरा की ड्यूरेबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल है। उसके दोनों हाथ कट गए और उससे अलग हो गए, लेकिन तब भी वो फाइट किया। अजूरा ने अकेले सारे 7 डीटीज को हराया था। मैं आपको बता दूं, वो सारे 7 डीटीज बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अजूरा को 2 बार जान से भी मारा गया, लेकिन फिर भी वो दोनों बार हेल से निकल के आ गया। यहाँ पे अजूरा के बहुत सारे फॉर्म्स भी हैं, जैसे कि बियर सीकर अजूरा, रेनबो ब्राइट अजूरा, 6 आर्म्ड अजूरा। ये सारे फॉर्म्स उसके रेज पे डिपेंड होते हैं। वो जितना ज्यादा गुस्सा होता जाएगा, उसके फॉर्म्स उतने ही ज्यादा पावरफुल बनते जाएंगे। लेकिन जो उसका सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है, वो है अजूरा द डिस्ट्रॉयर, जिससे उसने चक्रवर्तीन तक को हरा दिया था। यानी कि अजूरा ने खुद अपने यूनिवर्स के क्रिएटर चक्रवर्तीन को अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में हराया था। एंड उसको भी सिर्फ हराया नहीं, उसको भी मार दिया। एंड ये जितने भी फॉर्म्स आते हैं, ये सब आते हैं उसके मंत्रा मैनिपुलेशन की पावर से। वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, एंड कई मौकों पे तो उसने स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर रखा है। वो फ्लाई भी कर सकता है, वो भी वो स्पीड ऑफ लाइट से कर सकता है। वो इतना फास्ट है कि उसने वित्रा जैसे पावरफुल बींग को भी हरा दिया था, जो कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बींग माना जाता था अजूरा के यूनिवर्स में। उसके पास रीजनरेशन की भी पावर है, यानी कि वो किसी भी टाइप के वुंड या फिर अटैक से या फिर किसी भी टाइप की इंजरी से तुरंत रीजनरेट हो जाता है। उसके पास इमॉर्टेलिटी है, वो एनर्जी ब्लास्ट भी कंज्यूम कर सकता है, अपने अपोनेंट्स पे थ्रो कर सकता है। उसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। गैलेक्टस की ही तरह अजूरा भी अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था, जब वो अजूरा द डिस्ट्रॉयर बना, तब वो चक्रवर्तीन के साइज का हो गया था। अजूरा अपने एक पंच में मल्टी सोलर सिस्टम लेवल की फोर्स एग्जर्ट करता है। इतनी ज्यादा फोर्स वो सिर्फ अपने एक पंच में एग्जर्ट करता है। ये जो उसका पंच है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग अपॉन हाउ एंग्री ही इज। यानी कि वो जितना भी ज्यादा गुस्सा होगा, उसके पंच की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ पे अजूरा के पास इतनी सारी पावर्स है, लेकिन एक वीकनेस भी है। वो ये है कि वो अपने इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज नहीं करता है। उसको गुस्सा दिलाना बहुत ही ज्यादा आसान है। वो किसी भी फाइट का प्लान नहीं बनाता है, ऐसे ही लड़ने चला जाता है। अजूरा अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके बाद कई मौकों पे वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है एंड अपने साथियों को भी मारने लग जाता है। हालांकि अजूरा अपने आप को रिजरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन वो टाइम ले सकता है, फ्रॉम सेवरल आवर्स टू इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। यानी कि अजूरा को अपने आप को रिजरेक्ट करने में कुछ घंटे भी लग सकते हैं, और यहाँ तक कि कई हजार साल भी लग सकते हैं। तो ये थी अजूरा की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज एंड उसकी वीकनेसेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्क्लूजन की, कि कौन जीतेगा इन दोनों पावरफुल बीइंग्स के फाइट में। सो यहाँ पे गैलेक्टस एंड अजूरा दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं अपने अपने यूनिवर्स में। यहाँ पे गैलेक्टस के पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पावर्स हैं, एंड वो अजूरा से ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। जैसे कि मैंने बताया था, अजूरा कोई प्लान नहीं बनाता है, वो सीधा रश कर देता है किसी भी बैटल में। मगर यहाँ पे अजूरा ने तो चक्रवर्तीन जैसे बींग को हरा दिया था, जो कि उसके यूनिवर्स का क्रिएटर है। यानी कि एक बींग ने अपने यूनिवर्स के क्रिएटर को ही मार दिया। जिसने अजूरा को क्रिएट किया, अजूरा ने उसी को मार दिया। उसने अपने एक पंच से वाइजिंग जैसे बींग को मार दिया था। यहाँ पे अजूरा ज्यादातर टाइम रेज में रहता है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि अगर अजूरा अपने नॉर्मल फॉर्म में हुआ, तब तो गैलेक्टस को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी अजूरा को हराने में, क्योंकि गैलेक्टस के पास डिफरेंट टेलीपैथिक एबिलिटीज हैं। बट अगर अजूरा अपने अजूरा द डिस्ट्रॉयर वाले फॉर्म में आ गया, तब यहाँ पे गैलेक्टस को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और तब प्रोबेबली अजूरा के भी जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड वो हरा भी सकता है गैलेक्टस को। अब आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा, गैलेक्टस तो किसी की भी सोल निकाल सकता है, तो वो अजूरा की क्यों नहीं निकालेगा? तो मैं आपको बता दूं, अजूरा एक सोललेस बींग है, यानी कि अजूरा के अंदर तो कोई सोल ही नहीं है, तो गैलेक्टस उसके अंदर से निकालेगा क्या? यही चीज अजूरा को भी इमॉर्टल बनाती है। सो या यही था मेरा कंक्लूजन। नॉर्मल फॉर्म में तो गैलेक्टस को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अजूरा को हराने में, बट अजूरा द डिस्ट्रॉयर वाले फॉर्म में अजूरा हरा सकता है गैलेक्टस को। लेकिन ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, अगर आप चाहें तो आप भी कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं और मुझे बता दीजिएगा कि कौन जीतेगा। एंड अगर आप लोग न्यू है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करिए और उसके बगल में घंटा दिख रहा होगा, वो भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।